विश्वव्यापी कोरोना महामारी जहां दुनिया भर में मौत का तांडव मचा रही है, वहीं भारत में कोरोना महामारी के चलते करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसके चलते अब उनके लिए परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। इसी के चलते मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में टेंट हाउस, लाइट साउंड हाउस व कैटरिंग एसोसिएशन बुढ़ार, धनपुरी एवं अमलाई ने अपनी समस्या को लेकर सीएम शिवराज के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है, जिसमें उन्होंने कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे संचालकों को आर्थिक मदद करने की गुहार सिंह जी चौहान, आपका हृदय से टेंट एसोसिएशन आपका स्वागत करता है और सबसे बड़े सम्मान के और सबसे बड़े आदरणीय के पात्र हैं हमारे परम आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हमारे जीवन दान दिए, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। उसके साथ साथ 22 मार्च से लॉकडाउन चल रहा था, हम लोग अपने तरह से हर तरह के धैर्य और संयम और सहयोग कदम से कदम मिला के किए और हम लोग इस परिस्थिति पर पहुंच गए कि आज हम लोग यहां पर बैठक हुए। हम लोग की मांग है कि जो 20 से 25 लोगों की अनुमति दी जाती थी वो कम से कम 200 लोग, 200 से 400 लोग की अनुमति दी जाए, ताकि जितने भी हमारे टेंट एसोसिएशन से जुड़े हुए साउंड, घोड़ा बग्घी, डीजे, रोड लाइट, फ्लावर, टेंट, ये सब जुड़े हुए हैं, इनके जीविका का साधन समाप्त होने की कगार में है, खत्म हुई हो गया है। इसलिए हम लोग की तरफ से विनती है, याचना है, प्रार्थना है, निवेदन है कि हम लोग की समय सीमा बढ़ाई जाए और अनुमति दी जाए कम से कम 200 से 400 लोग के लिए। हम सोशल डिस्टेंस, लॉकडाउन, जो भी नियम निर्देश हैं उसका हम सही पालन करेंगे, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है और इस जीवन की रक्षा का दायित्व हम लोग का भी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी परम आदरणीय मोदी जी ने जो ये पहल किया है, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं और ज्यादा न कहते हुए इतना कहना चाहता हूं कि हमारा पूरा सीजन सीजनेबल था, 50 से 60 दिन तक साल भर में हम लोग काम करते थे, वह पूरा का पूरा हमारा धराशायी हो गया। कोई बात नहीं, जीवन है तो सब कुछ है, लेकिन आगे हम लोग को अनुमति दी जाए, हम हृदय से स्वागत करते हैं सभी निर्देशों का। इसलिए 200 से 400 लोग के लिए अनुमति दी जाए, हम समस्त नियमों का पालन करेंगे और आपके निर्देशों का अमल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।